subscribe our channel and press the bell icon so that you will never miss any update. Hi friends, welcome to Jyoti's Kitchen Recipe. आज हम बनाने जा रहे हैं अंगूर की खट्टी मीठी चटनी. इसके लिए मैंने लिया हुआ है एक कप अंगूर, जिसे मैंने आधे आधे टुकड़ों में काट लिया है, एक चम्मच घी, 10 से 15 किशमिश, आधा कप पानी, दो चम्मच शक्कर, आधा चम्मच लाल पिसी मिर्च, आधा चम्मच सौंफ. नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे. अगर आप ये चटनी व्रत के लिए बना रही हैं तो नॉर्मल नमक की जगह पे सेंधा नमक यूज़ करिएगा. तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं. हमारा पैन गर्म हो गया है, चलिए अब इसमें घी डाल लेते हैं. घी गर्म हो गया है, इसमें सौंफ का तड़का डाल देते हैं. अंगूर डाल देंगे. अंगूर को इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे. ये देखिए हमारे अंगूर अब फ्राई हो चुके हैं. हमने इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर फ्राई किया था. अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं. मिर्च पाउडर डाल देंगे. इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं और इसे पका लेंगे. ये देखिए हमारे अंगूर अब काफ़ी हद तक पक चुका है. अब हम इसमें शक्कर डालेंगे. और इसे थोड़ा देर और इसी तरीके से पकने देते हैं ताकि शक्कर इसमें अच्छी तरीके से घुल जाए. ये देखिए हमारा शक्कर अच्छे तरीके से इसमें मिल चुका है और हमारे अंगूर भी पूरी तरीके से पक गए हैं. अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे. और इसे लगभग 1 मिनट तक और पका लेंगे ताकि किशमिश भी अच्छे तरीके से इसमें मिल जाए. ये देखिए हमारी अंगूर की चटनी तैयार है. चलिए अब इसे बॉल पे निकाल लेते हैं. लीजिए हमारे अंगूर की खट्टी मीठी चटनी तैयार है. आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ. हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ. अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.